बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के तहत बच्चों के नतायज को ग्रेड सिस्टम पर मुंतकिल करने का ये मामला है। ग्रेड सिस्टम में बच्चों की फी मजमून में पासिंग शराख तनासुब 33% से बढ़ाकर 40% फैसला करने पर गौर किया जा रहा है। जुनेद रियाज से तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए। जी, तालीमी बोर्ड्स के तहत मजमूई तौर पर जो टोटल नंबर हैं उनको ग्रेड सिस्टम पर ले जाने का जो मामला है, और इस हवाले से IBCC ने इन मामलों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इससे कबल मजमूई तौर पर फ़ी मजमून में 33% नंबर लेना होते थे पास होने के लिए, अब उसको बढ़ा कर जो है पास परसेंटेज 40% पर ले जाने पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी ये डिस्कशन की गई है कि इसको बढ़ाकर पास परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी जाए, और दूसरी जानब जो 30% जो सिलेबस जो कि पेपर्स में से लिया जाता है वो पेपर 30% जो है वो हिडन होगा, और हिडन जो पेपर लिया जाएगा वो भी उसका मुताबकत जो है वो किताब से होना लाजमी है, जबकि 70% जो है वो अभी भी बाप के आखिर में जो एक्सरसाइज दी गई होती है, जो मशक दी गई होती है, उसी में से सवालात जो हैं वो पेपर्स में दिए जाते हैं। तो इस हवाले से रट्टा सिस्टम का भी खात्मा होगा, और ग्रेडिंग सिस्टम पर जब लाया जाएगा तो इससे बच्चों के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, तहम 5% जो है वो 40% पर ले जाने के हवाले से गौर किया जा रहा है। और इस फैसले का इतलाक IBCC की मंजूरी के बाद जो है वो साल 2024 से जो है वो इम्कान है। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का।